एक गाना जिसे लेकर विवाद पूरी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में नजर आ रहा है। दो स्टार आमने सामने साइमल्टेनियसली हैं, रितेश पांडे और खेसारी लाल यादव। इनके फैंस कह रहे हैं कि गाना रितेश पांडे का है, खेसारी जी के फैन कह रहे हैं कि गाना उनका है। मेरे साथ म्यूजिक डायरेक्टर आशीष वर्मा हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि असल में ये पूरा विवाद क्या है और इसकी हकीकत क्या है। आशीष जी स्वागत है बिंदास भोजपुरिया के इंटरव्यू में। नमस्कार बिंदास भोजपुरिया, देखने वाले सभी लोगों को मेरा प्रणाम। आशीष जी आप ही बता दीजिए, आप तो म्यूजिक डायरेक्टर हैं जी, आप बता दीजिए कि असल में ये गाना किसका है, असली मालिक कौन है गाने का? एक्चुअली ये गाना एक से दो महीने पहले 11 अक्टूबर के दिन फ्राइडे का दिन था 8:00 कुछ सेकंड पर ये गाना हमने बनारस नटराज स्टूडियो में रितेश पांडे के लिए रिकॉर्ड किया था, उन्होंने गाया था। मतलब पहली बार जो गाना है ये 11 अक्टूबर के दिन आपने रितेश पांडे के लिए रिकॉर्ड करवाया था जी। उससे पहले ये गाना किसी ने गाया था, आप बताइए आपकी जानकारी में? नहीं, उससे पहले किसी ने ये गाना नहीं गाया था और ना ही ये गाना बना हुआ था उससे पहले। मतलब आप तो फिर इस बात का जवाब दीजिए कि गाना असल में रितेश पांडे का है ना कि खेसारी जी का है। जी हाँ बिल्कुल, ये गाना तो रितेश जी का ही है। ठीक है, तो अब ये आशीष वर्मा से आपने सुना कि ये गाना जो है वो खेसारी जी का नहीं है बल्कि रितेश पांडे का है, ये म्यूजिक डायरेक्टर आशीष वर्मा कह रहे हैं। अच्छा, इसके बाद जब चीज़ें सामने आई जी, तो क्या खेसारी जी को आपने ये बताया कि भैया ये जो गाना है ये रितेश जी का है, आप क्यों गा रहे हैं या आपने क्यों गाया, आपने कहा कुछ इसके बारे में आशीष वर्मा जी? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, बल्कि खेसारी भैया ने फ़ोन किया। हाँ, तो खेसारी जी ने ही कॉल किया कि बोला यार आशीष, जो सुबह सुबह मेरा गाना रिलीज़ हुआ है आज, उसे क्या रितेश पांडे भी गा कर रिलीज़ कर रहे हैं? तो मैंने उनको क्लियर किया, भैया ऐसा बात नहीं है, ये गाना एक दो महीने पहले रितेश ने गा दिया है और वो शाम को वही गाना रिलीज़ कर रहे हैं। तो बोले यार, तो मुझे पता नहीं था कि मैंने ये गाना रितेश जी पहले गा चुके हैं, वरना मैं नहीं गाता हूँ, वो क्लियर किए इस बात को। अच्छा, जब कोई भी चीज़ आशीष जी आपकी होती है, जैसे स्टूडियो आपका है, यहाँ कोई एक बाहर से शख्स आता है जैसे मैं आया हूँ, अगर वो इसे कब्जा करे, यहाँ पे किसी तरह की कोई क्षति पहुँचाए, नुकसान पहुँचाए, तो क्या आशीष वर्मा का कर्तव्य नहीं है कि वो आवाज़ उठाए कि भैया ये मेरी चीज़ है, ये पूरी ऑफिस मेरी है, इसमें आप गड़बड़ क्यों कर रहे हो? क्या ये आशीष वर्मा का फ़र्ज़ नहीं था? आशीष वर्मा ने वक्त रहते क्यों नहीं कही ये बात? एक्चुअली ये चीज़ हमको पता नहीं था कि ये खेसारी जी को ये गाना गवाया जा रहा है। हाँ, क्योंकि वो कंपनी पटना में गवाया और रितेश जी गाना बनारस में गाए। मेरा दो ही स्टूडियो है, एक मुंबई एक बनारस, तो मेरे स्टूडियो में ये काम हुआ नहीं और मेरे संपर्क में रह के खेसारी जी ने ये काम नहीं किया कि मैं उनको बता सकूँ या क्लियर कर सकूँ कि ये गाना हो चुका है, इस गाने को नहीं करना है हम लोगों को। जैसा कि खेसारी जी भी खुद बोले कि ऐसा है बाबू कि मुझे नहीं पता था कि ये गाना बाबा ने गा दिया है रितेश जी ने, नहीं तो मैं बाद में इसको मैं सॉल्ट आउट कर देता, मैं नहीं गाता ये गाना, एक गाने से हमारा जीवन थोड़ी है। और आज उसका परिणाम सामने है, परिणाम सामने है, ठीक है। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि भाई मुझे नहीं पता है, हो सकता है आपको ये बात पता नहीं होगी, क्या ऐसा एक सिस्टम नहीं होना चाहिए आशीष जी, जैसे फिल्में बनती है हमारे यहाँ, बोर्ड पास करता है कि एक फिल्म उन्होंने बनाई आप दूसरी नहीं बना सकते हो, स्क्रिप्ट की रजिस्ट्रेशन होती है, क्या ऐसा कोई सिस्टम नहीं होना चाहिए? मुझे लगता है कि भोजपुरी में रिपीटेड इंसिडेंट्स के बाद ऐसे किसी सिस्टम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, आपको क्या लगता है? ऐसा सिस्टम है भी, और अगर वो कमज़ोर है तो फिर दूसरा एक बनना चाहिए। ऐसा सिस्टम है, आप यूट्यूब पे और अदर जगह आप अपने गानों को रजिस्टर्ड करा सकते हो, अपने प्रोजेक्ट और अपने टाइटल को रजिस्टर्ड करा सकते हो, लेकिन ये इतने भागदौड़ और इतना हल्के में लोग ले लेते हैं कि ये काम वो लोग करते नहीं। लेकिन अगर ऐसे ही दो चार कोई इंसिडेंट्स लोगों के साथ होंगे तो फिर वो मजबूर हो जाएंगे ये काम करने के लिए, फिर वो भी हिंदी वालों की तरह ही बाध्य होकर के पहले रजिस्टर्ड कराएंगे फिर काम चालू करेंगे। मतलब ये कि अगर ये सारा सिस्टम जल्दबाजी का शिकार ना हो तो शायद काम स्मूथ तरीके से हो जाएगा और इस तरह की जो रोड ब्रेकर से वो नहीं होंगे। हाँ बिल्कुल, आप किसी एक बंदे के साथ प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उस प्रोजेक्ट बनाने से पहले उस सारी चीजों को रजिस्टर्ड कराओ विथ एविडेंस, आप गवाह के साथ उसको रजिस्टर्ड कराइए, एग्रीमेंट बनवाइए कि हम इस प्रोजेक्ट पर कर रहे हैं। जैसा कि आज के डेट में बड़ी कंपनियां स्टार्ट कर दी हैं करना, वैसे हम लोगों को भी ये सारे जितने भी बड़े स्टार्स हैं इन लोग को ये काम करना चाहिए ताकि वो भविष्य में वो चीज़ें बाहर आउट ना हो, और अगर आउट भी हो जाए तो आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हों, कॉपीराइट हो, कि आप सामने वाले को क्लेम कर सकें। एक सवाल कि जिस तरह से अब दोनों के गाने आए, खेसारी जी के गाने आए, रितेश जी के गाने आए, फैन सामने सामने आ गए, नंगी तलवारें निकल गईं, सोशल मीडिया पे एक दूसरे को काटने मारने की बातें होने लगीं, इसके लिए असल में जिम्मेदार कौन है आशीष जी?
इसके लिए असल में ज़िम्मेदार वो म्यूज़िक कंपनी है जिसने एक सिंगर का गाना पहले बनवा करके और फिर उसी गाने को दूसरे सिंगर से गवाया, क्योंकि इस बीच आपने एक ऑडियो सुना होगा जो कि मेरा और जो उसमें गाने में डुएट किया अंतरा सिंह प्रियंका, हम दोनों की बातचीत है। मैंने उनसे साफ साफ मैं पूछ रहा हूँ कि ये गाना तो मैं आपको एक दो महीने पहले गवा चुका हूँ, एक महीने पहले, बोली कि हाँ। और मुझे आदिशक्ति वाले ने बोला कि नहीं, ये गाना उनका नहीं आएगा, अब ये गाना खेसारी जी गाएंगे। तो पहली बात तो ये कि आदिशक्ति के थ्रू मैंने प्रोजेक्ट भेजा नहीं था, वो मैंने अंतरा जी को भेजा था। अगर अंतरा जी बिना प्रेशर में रहती तो वो मुझसे एक बार पूछती कि अरे यार आशीष जी, जो आपने गाना मुझे एक महीने पहले गवाया था, वो गाना गाने के लिए मुझे फिर से कहा जा रहा है, क्या चक्कर है इसका। उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा, और उस ऑडियो में उन्होंने बताया कि ये गाना मैंने पहले रितेश जी के लिए गाया है। और हमने बोला कि भाई अब अगर खेसारी जी भी गा दिए हैं तो चलो कोई बात नहीं है, बड़े भाई हैं और इंडस्ट्री के सीनियर कलाकार हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनको ये पता ही नहीं था कि ये गाना ऑलरेडी एक महीने पहले डब हो चुका है, रितेश जी इसको गा चुके हैं। और फैंस की बात है, जो नंगी तलवारें निकल गई हैं तो गालियां तो मुझे भी पड़ रही हैं, मेरे नाम से भी बहुत सारा कुछ हो रहा है, लेकिन फैंस से मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि वो लोग आपस में न लड़ें, क्योंकि एक बहुत ही वो क्या बोलते हैं कि इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, अभी के अभी ये सारा समझौता हो गया है, क्लियर हो गया है, उनके गाने उनके चैनल पे रहेंगे, ये रितेश जी के गाने रितेश जी के चैनल पे रहेंगे, कोई किसी को स्ट्राइक नहीं मारेगा। ये सारी चीज़ें कल रात में डन हो चुकी हैं, जो कि आज सुबह से दोनों लोग अपना अपना गाना चला रहे हैं। तो फैंस को लड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग ना लड़ें और किसी को भी गाली ना दें, सबकी माँ बहन एक बराबर होती है, चाहे मेरी चाहे आपकी या किसी की भी। ठीक है, ठीक है। ये मतलब अब मैं ये समझूं कि सारा विवाद आपने कह दिया और ख़त्म हो गया है, ऐसा मैं मान लूं? हाँ, ये सारा विवाद ख़त्म हो चुका है, क्योंकि खेसारी जी के भी चैनल से जो आदिशक्ति म्यूज़िक कंपनी है उस पर वीडियो आ चुका है, गाना सारे स्ट्राइक हट चुके हैं। रितेश जी भी अपने रिद्धि म्यूज़िक इंटरटेनमेंट जो भी है उनका चैनल, उस पर उन्होंने गाना डाल दिया है, और लाइव आकर के भी शायद क्लियर किया है लोगों ने कि जो भी है अब चलने दिया जाए, आगे से ऐसी गलती ना हो। इसमें सारे लोगों का योगदान होना चाहिए, सारे लोगों की कोशिश होनी चाहिए कि आगे से ऐसी कोई गलती ना हो। अच्छा, इसमें मुझे बेसिकली अगर खेसारी को पता नहीं है ये चीज़, खेसारी जी को पता ही नहीं है कि भैया कोई गाना आया है, तो क्या खेसारी जी की गलती है? मुझे नहीं लगता कि अगर कोई चीज़ मुझे पता ही नहीं है कि मुझसे पहले कोई आपका इंटरव्यू करके गया है, तो मुझे नहीं लगता कि मेरी गलती है। खेसारी जी को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, जिस तरह से बताया जा रहा है कि नहीं उनकी गलती है, मुझे लगता है वो इनोसेंसी है। ये मैंने कहीं नहीं बोला, या रितेश ने भी कहीं नहीं बोला। फैंस की बात अलग है, उनका मुंह कोई नहीं रोक सकता, लेकिन कहीं भी रितेश जी ने नहीं बोला है, कहीं भी मैंने नहीं बोला है, और ना कहीं खेसारी जी ने रितेश को या हमको दोषी ठहराया है। हम लोग आपस में शालीनता से बात कर रहे हैं, बराबर बात कर रहे हैं, पर डे बात कर रहे हैं, दिन में दो बार बात कर रहे हैं कि नहीं इस पर क्या होना चाहिए, फैंस भड़क रहे हैं। हमको फैंस की चिंता है, हमको दर्शकों की चिंता है। आपस में तो हम लोग ठीक है, चलो यार एक गाना से ना उनकी लाइफ है ना उनकी लाइफ है, लेकिन फैंस इस पर बहुत ज़्यादा भड़के हुए थे। इसको शांत करने के लिए ये सारा कदम हम लोगों ने उठाया, और इसमें खेसारी भैया की कहीं से कोई गलती नहीं है कि मतलब उन्होंने ये गाना गा दिया और जानबूझ करके गा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, गलती अंतरा सिंह प्रियंका की नहीं है, जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा उनके हिट गाने आपके ही साथ हैं। अंतरा सिंह प्रियंका की ये गलती नहीं है कि उन्हें ये देखना चाहिए कि अगर कोई शख्स मिस्टर ए ने, मिस्टर आशीष ने आपको ये चीज़ गाना गाने के लिए दिया है, तो मिस्टर बी आके वो गाना कैसे गवा रहे हैं? क्या उन्हें नहीं कहना चाहिए? क्या उनकी प्रोफेशनल में इस तरह की जिम्मेदारी बिल्कुल जीरो हो जाती है? नहीं नहीं, उन्होंने भी बोला था, लेकिन कंपनी का प्रेशर था कि ये गाना मेरे ही कंपनी के लिए था, और अब ये गाना वो नहीं गा रहे हैं, उनका नहीं आएगा, ये गाना नए तरीके से बनाए, अब ये गाएंगे। तो सिंगर वहाँ पर मजबूर है, क्योंकि उसको सबके साथ काम करना है, तो ये उनकी गलती नहीं है। और सब जगह सारे लोग एक बराबर नहीं होते, सबके दिमाग और बुद्धि एक बराबर नहीं होती, तो इसमें उनको जो उस समय समझ में आया वो उन्होंने किया, उसके लिए भी कोई नाराज़गी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोगों का एग्रीमेंट नाम की चीज़ अगर सही होती, पहले ही आशीष वर्मा और रितेश पांडे जी का अगर एग्रीमेंट हुआ होता, सारी चीज़ें पेपर पे होती, तो ये सारी नौबत ही नहीं आती। आशीष जी, बिल्कुल, मैं यही बात तो बोल रहा हूँ कि आगे से ऐसा ही करना पड़ेगा कि आप अपनी चीज़ों को रजिस्टर्ड कराएं, एक एग्रीमेंट बनाएं, उसमें सारे मेंबर्स के सिग्नेचर्स हों, सारे जो एक दो गवाह लगे उसमें, और उसके बाद वो प्रोजेक्ट तैयार करें, सारे प्रोजेक्ट के एग्रीमेंट बनेंगे, तो कभी भी आप कॉपीराइट क्लेम करने के लिए एकदम सक्षम हो,
किसी से डरने या कहने सुनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि हाँ आपने क्या किया क्या नहीं किया और आपका प्रोजेक्ट है कि नहीं है, ये प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब कहीं ना कहीं एक कसर कोर आप लोगों की तरफ से भी रह गई है, इस बात को आशीष वर्मा खुले तौर पर स्वीकार करते हैं। बिल्कुल, ये हमारे इंडस्ट्री का और हम लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो ये एक कसर है, गलती है कि हम लोगों को एक पेपर वर्क करना चाहिए सारे आर्टिस्टों के साथ जिसने गाया, विथ लिरिक्स, सारे नोट्स कि क्या क्या शब्द हैं, किसने लिखा है, किसने गाया, कब गाया, किस डेट में गाया, सारी चीज़ों का एविडेंस, स्टूडियो के बिल्स और आर्टिस्ट का पेमेंट, ये सारी चीज़ें ऑन पेपर होनी चाहिए। एक चीज़ और मुझे दिखी कि रितेश पांडे पवन सिंह के साथ नजर आए उनके बर्थडे में, ठीक है। आशीष वर्मा जी याद करके बताइए कि इससे पहले, ये कॉन्ट्रोवर्सी शुरू होने से पहले, क्या किसी पवन सिंह के बर्थडे में रितेश पांडे को आपने देखा था? आई थिंक मैंने नहीं देखा था। मैंने भी नहीं देखा था। क्या ये चीज इसे प्रोवोक करने के लिए नहीं कही जा सकती है कि जानबूझ के एक माहौल जिस तरह से है कि भाई बहुत सारे रिश्ते अच्छे नहीं स्टारों के बीच में, क्या भड़काने के लिए ये चीज नहीं करेगी? नहीं, मैं साफ बात करता हूं, आप मुझे साफ साफ जवाब दीजिए कि क्या सिर्फ खेसारी लाल यादव को भड़काने के लिए या ग्रुप बनाने के लिए चीज नहीं की गई कि भैया मेरे साथ पवन सिंह है, मैं एक प्रेशर बनाऊंगा, ये चीज उससे नहीं जोड़ी जा सकती है? नहीं, नहीं, क्यों नहीं जोड़ी जा सकती, बताइए। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि रितेश जी बर्थडे में गए, वहाँ उन्होंने, मैं तो देखा मीडिया के माध्यम से, पवन जी के साथ उन्होंने केक वेक काटा, खाया खिलाया और इस सब्जेक्ट पर कोई चर्चा ही नहीं हुई। और रही बात कि इसके पहले बर्थडे में वो गए या नहीं गए, तो इसके पहले भी मैं बता दूं कि जब रितेश पांडे एक स्टार के रूप में नहीं जाने जाते थे तो अपना खुद का बर्थडे नहीं मनाते थे। अब आज वो एक स्टार है तो अपना बर्थडे मना रहे, तो ये कोई बड़ी बात? 2020 के बर्थडे में आशीष जी रितेश पांडे स्टार नहीं बने हैं, इससे पहले मैं कितने सालों से पवन सिंह का बर्थडे कवर करता आ रहा हूं, तब तो नहीं जाते थे रितेश पांडे, आज अचानक उन्हें ये पवन सिंह से करीबी कैसे नजर आ गई? नहीं, तब हो सकता है कि उस समय इनकी उनकी जान पहचान ज्यादातर न रही हो, क्लोजनेस न रही, इस इंसिडेंट के बाद जान पहचान ज्यादा हो गई, ये मान रहे हैं? हाँ, ये मान रहा हूँ कि भाई हो सकता है कि इस कोई इंसिडेंट के बाद ये गए हो या इनको इन्वाइट किया गया हो, ऐसे तो कोई जाएगा नहीं, यानी नेवता पवन जी की तरफ से आया होगा कि बेटा तुम आओ या बाबू तुम आओ या भाई तुम आओ, जो भी कुछ कह के, भाई क्यों नहीं मैं चला गया, मुझे अगर इन्विटेशन होता मैं तो ऐसे ही दिल से विश किया भाई हैप्पी बर्थडे पवन जी, और जैसा कि मैं हर साल करता रहता हूँ तो अपने दिल से मैंने पोस्ट भी नहीं बनाता, मैंने कहा मैं खेसारी भैया के भी बर्थडे में जाता हूँ और बाकी, लेकिन जो मुझे जहाँ बुलाता है मैं वहीं पे जाता हूँ, तो हो सकता है उनको भी बुलाया हो, अगर एक स्टार हैं तो उनका भी अपना मान सम्मान है, आदर है, अगर उनको पवन जी ने बुलाया होगा तभी वो गए होंगे, ऐसे तो जा नहीं सकते। अच्छा, तो इस पूरे इंसिडेंट के बाद, इस पूरे वाक्य के बाद आशीष वर्मा जी सच बताइएगा कि आपको नहीं लगता है कि जो रिश्ते हैं आपके रितेश पांडे के, आपके खेसारी लाल के, इनमें कोई खटास आई है? सही बताइएगा। नहीं नहीं, इनमें कोई भी खटास नहीं आई है। हाँ, ये जरूर कहूँगा कि एक छोटा सा कष्ट जो होता है कि अरे यार हम सब साथ रहते थे, साथ काम करते थे, अभी यार एक गाने को लेकर इतना मचमच चल रहा है कि मेरे साथ बैठ करके खाने सोने वाला आदमी आज कहीं बीच में खड़ा है, ना इधर का हो पा रहा है ना उधर का हो पा रहा है, जो कंडीशन मेरी। और एक रितेश के मन में यह कि यार कभी भी हमारे सीनियर बड़े भाई हैं वो, और अब हम लोग आगे मिलेंगे तो किस हिसाब से मिलेंगे। खेसारी जी के भी मन में यह है कि यार चलो हमने तो अनजाने में ऐसा किया, लेकिन कुछ लोग थे जो जानबूझ करके इस मसले को हवा दे दिए और बदनाम हुए सारे लोग, तो बस ये थोड़ा सा अफसोस है। किसी के मन में कोई खटास नहीं है। मेरी भैया से आज भी सुबह में भी बात हुई है, उन्होंने बोला कि यार अब पगले हम लोग के संबंध में कोई ये आने वाला नहीं है, बाकी हम लोग काम करें न करें, कंपनियां हम लोग के साथ रहें चाहे ना रहें, लेकिन जो व्यवहार जो बिहेवियर है हम लोग का वो हमेशा रहेगा, इसमें कहीं से कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं आने चीज़। सर, एक आखिरी चीज़ जाते जाते मैं कहना चाहूँगा कि जिस दिन ये बवाल पूरा शुरू हुआ, जिस दिन खेसारी जी को पता चला होगा या जिस दिन रितेश जी को पता चला होगा कि भैया एक गाना ऐसा बना है, अगर आपस में रितेश जी ही नए आर्टिस्ट हैं, जूनियर भी हैं खेसारी जी से, अगर उन्होंने एक फोन कर दिया होता कि खेसारी जी ऐसा ऐसा हो गया, खेसारी भैया और ये गाना आपका है, चलो मिलके ये बवाल खत्म कर देते हैं, आप भी चलाओ मैं भी चला लेता हूं, हो गई है कोई बात नहीं, आपने भी जानबूझ के नहीं किया, मुझे भी नहीं पता था, तो मुझे लगता है ये बवाल ही इतना नहीं होता। जी, ये तो मतलब कि दोनों पक्षों पर निर्भर करता है। एक्चुअली क्या है कि खेसारी जी स्वयं उस गाने के मालिक नहीं है, इस गाने के मालिक आदिशक्ति कंपनी वाले, जो कि खेसारी भैया को गवाह करके उन्होंने रिलीज़ किया, तो अगर रितेश कॉल भी करते तो आदिशक्ति को करते, न कि खेसारी जी को। अगर खेसारी जी के और इनके समझने और कहने से ही सारा कुछ हो जाता तो ये बवाल बहुत पहले शांत हो गया होता। बात तो यहाँ थी कंपनी की, कंपनी ने पहले रितेश जी के ऑफिशियल साइट पर स्ट्राइक मारा, फिर रितेश ने कंपनी पे
स्ट्राइक मारा, तो स्ट्राइक मारने का सिलसिला कंपनी ने चालू किया, फिर रितेश जी, फिर कंपनी, फिर रितेश जी, और लास्ट में ये हुआ कि नहीं भाई अब समझौता हो जाए। तो शुरू से खेसारी जी और रितेश जी उसमें सामने आमने सामने नहीं आए, और अभी भी समझौता हो गया तो वो लोग में से दोनों में से कोई भी आमने सामने नहीं आया, वो बस बात कंपनी और उनके लोगों के बीच में हुई, वो मसला सलट गया। चलिए, इसमें स्ट्राइक कोई किसी को भी मारे, कोई किसी को भी टारगेट करे, लेकिन मुझे लगता है सारी स्ट्राइक और सारी चोट जो है वो भोजपुरी भाषी, भोजपुरी बोलने वाले उन दर्शकों को लगती है जो कि इसमें पूरी तरह से शिकार हुए हैं। मैं समझता हूँ नुकसान सिर्फ और सिर्फ आशीष वर्मा जी भोजपुरी का हुआ है सबसे बड़ा, और शायद उसे आने वाले वक्त में उस घाव को भरना बड़ा मुश्किल होगा। सही बात है, इसी नुकसान को बचाने के लिए ही इस मसले को ठंडा किया गया है और ये कंप्रोमाइज़ हुआ है कि भाई आप भी चलाओ, आपके फैंस आपके गाने सुने, और ये भी चलाएं इनके फैंस इनके गाने सुने, जिसको जितना प्यार सपोर्ट मिलना होगा वो मिलेगा, उसे कोई नहीं सकता। मैं समझता हूं कि इसके साथ ही ये विवाद खत्म हो जाएगा और सब सारी इंडस्ट्री एक है, सब लोग एक साथ मिलकर रहेंगे और एक साथ आपको नए नए गाने सारे लोगों से सुनने को मिलेंगे और आशीष जी की दुनिया आपको आगे भी सुनाई देंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी इस सारी बातचीत के लिए, थैंक यू सो मच जी। धन्यवाद बिंदास भोजपुरिया, सभी सारे लोगों को नमस्ते, मेरा सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। अगर मेरी किसी बात से किसी को भी भावना को या किसी के भी दिल को भी चोट पहुंची होगी तो मैं उनसे क्षमा चाहता हूं, लेकिन आप सब लोग अपने सारे स्टार्स को ऐसे ही प्यार आशीर्वाद देते रहिए। जय हिंद, जय भोजपुरी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो वैसे आशीष जी की बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? आशीष वर्मा ने जो कुछ भी कहा आपको कितना सही लगा, सही लगा भी या नहीं लगा, ये कमेंट्स के जरिए वीडियो के नीचे ज़रूर बताइए। आपको क्या लगता है इसमें से कौन सही है, गलती किसकी है, ये भी ज़रूर बताइए। 2020 का पहला इंटरव्यू आशीष वर्मा के साथ आपने देखा। बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिंदास भोजपुरिया। थैंक यू।